आगरा आगमन होने पर बालूगंज गुरुद्वारे के समीप समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के शहर अध्यक्ष मोहम्मद बसीर उल हक की अध्यक्षता में मंच लगाकर फूलमालाओं से राहुल गांधी का स्वागत किया गया। समाजवादी पार्टी युवा नेता संजय अग्रवाल ने कहा कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा से गरीब मजलूमों को इंसाफ दिलाने के लिए निकले हैं। पूरे देश की जनता के दिलों पर आज छाने वाले अखिलेश यादव और राहुल गांधी जनता की पहली पसंद बन चुके हैं। इस यात्रा से सपा और कांग्रेस गठबंधन को आगरा की दो तो दोनों लोकसभा सीट मिलेंगी ही, लेकिन समूचे भारत देश में भी 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार केंद्र में यूपीए सरकार बनाकर कांग्रेस देश की सेवा करेगी। इस दौरान समाजवादी पार्टी नेता विनोद, रिंकू दीक्षित, जमील अहमद, संजय अग्रवाल, फैजान पठान सहित तमाम लोग मौजूद रहे। जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। आज आप देखें उत्तर प्रदेश में जो पीडीए न्याय यात्रा, जिसमें जनता के दिलों की धड़कन माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी ने जिस तरीके से अभिवादन अपनी जनता का किया, ऐसे लग रहा था आपस में भाई से भाई मिल रहा है, बहन से बहन मिल रही है, दोस्तों से दोस्त मिल रहे हैं। निश्चित ही 2024 का जो आने वाला चुनाव है एक इतिहास लिखने वाला है और ये इतिहास आगरा की धरती से शुरू होगा। आज समाजवादी पार्टी के हम लोग ममता टपलू के नेतृत्व में और जितने भी हमारे अमरीश सिंह फौजदार और तमाम हमारे साथियों के साथ आप जिस तरीके से हमने भव्य स्वागत किया है, निश्चित ही अलौकिक स्वागत था। और पूरी जगह जगह जहां से यात्रा निकली है इसी तरीके से जोरदार स्वागत किया है और हम अब 2024 का भूगोल बजा चुके समाजवादी पार्टी का डंका। जीत होगी और समझ गए मोदी की रणनीति क्या है, मोदी की रणनीति बताई रणनीति है, 2024 में एनडीए सरकार की जीत होगी। देखने में आया कि कई जगह कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, जैसे बैनर के अंदर अखिलेश जी का फोटो लगा हुआ, कह रहे हैं कि हमारे सपा के अंदर राहुल का फोटो लगा हुआ है। जनता इससे परेशान हो गई, सरकार को हर पल बदलना चाहती है।